नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। पुरानी ग्राम पंचायत परिसर में नगर परिषद लांजी ने चलाई JCB, सौंदर्यकरण कर बनाई जाएगी चौपाटी। लांजी नगर 52 तालाबों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक भी चौपाटी नहीं होने के कारण नगर परिषद के सामने गणेशी तालाब के किनारे मुख्य मार्ग पर चौपाटी लगाई जाती है, जिसके चलते भीड़ आमगांव रोड के लिए बाधक हो जाती है। कई वाहन तो चौपाटी तक जाने के लिए मुड़ते समय ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में सुरक्षित स्थान की तलाश भी पूरी हो गई। सोमवार 28 दिसंबर को नगर परिषद लांजी को सूचना प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति के द्वारा लांजी आमगांव रोड स्थित पुरानी ग्राम पंचायत परिसर के मुख्य गेट को पक्का निर्माण कर बंद किया जा रहा है, जिसके बाद सूचना मिलते ही तत्काल नगर परिषद लांजी का अमला मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण पर कार्यवाही करते हुए JCB चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। इस संबंध में लांजी नगर परिषद CMO देवेंद्र मर्सकोले ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी ग्राम पंचायत परिसर में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था, जिसे JCB की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया है। सौंदर्यीकरण कर चौपाटी बनेगी। लांजी नगर परिषद CMO देवेंद्र मर्सकोले ने बताया कि पुरानी ग्राम पंचायत परिसर में अतिक्रमण पर JCB चलाई गई है और इस स्थल को चौपाटी में तब्दील किया जाएगा। साथ ही गणेशी तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इससे चाट चौपाटी वालों को रोजगार मिलेगा तथा मुख्य मार्गों पर लगने वाले ठेलों को सुरक्षित स्थान मिलेगा, साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना को टाला जा सकेगा। CMO मर्सकोले ने बताया कि सड़कों से यदि चाट चौपाटी वाले ठेलों को यहां स्थान उपलब्ध करवा दिया जाए तो तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ ही यह जिले की सबसे खूबसूरत चौपाटी बन जाएगी और इस तालाब में पैडल बोट फव्वारे व लाइटिंग के साथ ही CCTV कैमरे लगाकर उन्नत किया जाएगा। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। ये अपना पुराना ग्राम पंचायत है, यहाँ पर अतिक्रमण था, इसको अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं, साफ सफाई करा रहे हैं। और जैसे कि विदित हो रहा है अपने लांजी में कि इधर जो फुलकी वाले हैं, चाट वाले हैं, इधर उधर लगा रहे हैं, उनकी व्यवस्था यहाँ की जा रही है, चौपाटी की यहाँ बनाया जाए। यहाँ बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए शौचालय वगैरह के लिए भी कुछ व्यवस्था कर? हाँ, यहाँ पर अभी अपन शौचालय तो नहीं, वर्तमान में बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, शौचालय बनवाते हैं अपन, वो भी प्लस चल रहा है, स्वच्छता का भी चल रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर एक शौचालय बनवा लेते हैं। इतनी भूमि जो वेस्ट में है, ये अपन चौपाटी बना देंगे तो उसमें थोड़ा शहर का विकास भी होगा, अच्छा भी लगेगा। रोडों में जो इधर उधर दुकान लगाएं सबको यहाँ लग पाए। आज क्या कार्यवाही की गई है आप? ये अपने यहाँ ग्राम पंचायत में क्या हुआ, अपनी भूमि में किसी ने अतिक्रमण कर लिया था, पीछे पड़ रहा था, उसका अतिक्रमण यहाँ से मुक्त करा कर साफ सफाई करवाए। सर, चौपाटी वालों के लिए जो आप ये व्यवस्था कर रहे हैं, किन चीज़ों को देखते हुए कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि अपने यहाँ चार मुख्य मार्ग है, चारों मुख्य मार्ग पे छोटे फुल्की वाले, चाट वाले लगाए रहते हैं, अतिक्रमण होता है, कभी कोई दुर्घटना घट जाए, इसलिए इसको चौपाटी स्थल बना रहे हैं। तो उधर से क्या है, सुचारू रूप से अपना रास्ता चालू रहेगा, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी।